बॉयज एंड गर्ल्स, गाइस कैसे आप सब लोग। सो, अभी टाइम हुआ है शाम के 5:15 बजे हैं। अंधेरा हो चुका है ऑफकोर्स, क्योंकि मॉस्को है, यहाँ पे ठंड शुरू हो चुकी है। ठंड ऐसी नहीं है, +6 डिग्री टेम्परेचर है। 133 साल बाद 133 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि मौसम प्लस में चल रहा है, बर्फ नहीं पड़ी है बिल्कुल भी। आप देख सकते हो मॉस्को में, रशिया बल्कि मॉस्को में खास तौर पर, रशिया में कई पार्ट में पड़ चुके हैं लेकिन यहाँ नहीं पड़ी है। दूसरा, आज हम ऑफिस की तरफ से, लास्ट ईयर भी हम एक शो में गए थे, आप लोगों ने देखा हो वीडियो, नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। और वही वीडियो हमारी रशियन गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी ने डाली थी। तो आज हम एक नए शो में आए हैं, उन्हीं के ही शो में, एक नया शो है, इसमें बैलेट होगा, बैलेट डांस, जिसमें मेरी कंपनी ने सबको ऑफर दिया है। ये मेरे कलीग है, उसी की गाड़ी है, उस गाड़ी में हम आए हैं, गंदी हो रही है। और यहाँ पर वो होगा कंसर्ट, यहाँ बहुत बड़ा क्रोकस सिटी हॉल नाम से है, देख सकते हो, ऊपर पढ़ सकते हो, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े शो होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के शो होते हैं। यहाँ पे अभी हम आए हैं और हमारे कंपनी की तरफ से 24 टिकट बाय कर रहे हैं हमने, 24 लोग आ रहे हैं हम, जिसमें से 5 लोग अभी हम गाड़ी में हैं, बाकी मेरी वाइफ भी आ रही है, सब कंपनी के जितने भी कलीग्स हैं उनकी वाइफ भी आ रही हैं, सब बच्चे वगैरह सब आ रहे हैं। ये मेरा कलीग नंबर साथ में, इसी की गाड़ी है, देख सकते हो। हेलो प्रीवियत इसका जी, ये मेरा पहला मेंबर साथ में, और इस हॉल में होने वाला है, इस वाले उसमें देख सकते हो तुम, इसके अंदर ये प्रोग्राम होगा। तो देखते हैं आज क्या प्रोग्राम होने वाला है। और अभी टाइमिंग बहुत है, 7 बजे ये शो होगा, और अभी राइट नाउ सिर्फ 5:15 ही बजे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं, जो देखते हैं अभी और लोग आएंगे, मिलते हैं फिर क्या। सो गाइस, ये मेरे साथ दूसरा कलीग मेरे साथ, तो उसको हिंदी वगैरह तो कुछ आती नहीं, फिर भी अभी हम आए सुसु करने वहाँ पे पीछे, और पीछे हमारे पीछे है बच्चों के खेलने को बहुत ही बड़ा प्रोग्राम का, मतलब कि यहाँ पे आप पूरा दबा के खेल सकते हो अगर आप कभी आते हो तो। और बाकी अभी और भी लोग हैं उधर, हैं सब, दिखाऊंगा अभी मैं आपको। यहाँ पे बड़ा कॉफ़ी शॉप है, अब इसकी वाइफ गई है सुसु, ले जाएंगे, अभी मिलवाऊँगा मैं आप सबसे। सो गाइस, ये मेरा कलीग, और ये जितना ग्रुप खड़ा है ये सारे ग्रुप हमारा ही है। अभी बहुत सारे लोग नहीं आए हैं लेकिन अभी वेट कर रहे हैं, और इसके अंदर जाएंगे, अभी लेना भी नहीं आई है, उसी का वेट कर रहे हैं। बाकी और भी, मेरा बॉस भी नहीं आया है, बहुत सारे लोग नहीं आए अभी, सो वेट करते हैं। So guys, मैंने लेना से तो मिलवाया नहीं, लेना का लेना से तो मिलवाया नहीं, तो लेना यहाँ पे है। बाकी ये सब पीछे मेरे कलीग्स हैं, सब पीछे, ये तीन, ये सब 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 जितने भी हैं, 24 टिकट्स लिए हमने, तो 24 लोग हम साथ में, मेरा बॉस भी है, वो मेरा बॉस है, ये जो खड़ा है, और ये बॉस की गर्लफ्रेंड है सही बताऊँ तो। और अभी हमारे साथ 2-3 लोग नए भी आए हैं, कुछ ऐसा नहीं है, अच्छा लग रहा है, फ़ोटो खींच रहे हैं ये सारे हैं साथ में, हमारी भी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। सो गाइस, ये लोग हमें वो कर रहे हैं। सो गाइस, ये है अपना रूस की फ्लैग, रशियन फ्लैग के बैलून्स हैं ये, आप देख सकते हो। और ये सब हमारे कलीग्स, स्कूल का मी मेस्ट से स्कूल का चलावेक मनोगा, मैं ओचिन मनोगा चलावेक, बहुत हम बहुत सारे लोग हैं मेरा मतलब कहने का। और ये है बड़ा क्रिसमस ट्री, ब्यूटीफुल, बहुत सब आ गए हैं यहाँ पे, पहले सारे लोग खड़े हो जाए। लिनुस दवाई 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 लिनुस दवाई, शायद पता जी चलिए तिया शाम। सो गाइस, ये अपना ग्रुप, सब फोटो हो गया इन सबका साथ में, और ये तो मुझे देख रहे हो, ये सब जितने भी हैं सब मेरे हैं। तो ये जिस औरत ने फोटो खींचा ये हमें दिखा रही है, अब हमें बेचेगी, अपना गेम शुरू करेगी।
So guys, ऐसा प्रोग्राम जा रहा है ना, अभी ब्रेक हुआ है 15 मिनट का, प्रोग्राम ऐसा उल्टी होने वाली है बस 15 मिनट में, ऐसी हालत हो चुकी है हमारी। इतना बोरिंग प्रोग्राम है यार, नींद आ सकती है। ऑफ कोर्स हमारा जो एक टिकट है, ये जो हमारा टिकट है 5,500 रूबल का एक टिकट है, ठीक है, और हम दोनों के टिकट हुए 11,000 रूबल के, और हमारे शायद 25 से 26 टिकट्स हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, डेढ़ दो लाख के तो टिकट है हम सबके, ठीक है। अब ये सोचो इतने टिकट पैसे हमने दिए और इतना बड़ा हॉल है, पूरा फुल है, जिनके और भी प्राइस हैं। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, इतने लाख रुपया दे के, इतने हजार रुपया दे के लोग देखते क्या है? ये शो पसंद मेरे बॉस को पसंद है इसलिए यहाँ गए। और जो बिग जो वो है मॉस्को का जो बिग थिएटर है, बोलते हैं उसका टिकट कितने कितने का, 50,000 रूबल तक का है, कई कई महीने पहले बुक होता है, उसमें बोरिंग प्रोग्राम में जाते हैं। मुझे ऐसा भी नहीं आता लोग क्यों ऐसी जगह जाते हैं। भाई मैं रिकमेंड जरूर करूँगा, आओ जरा एक बार खुद बोर हो, क्योंकि अगर आप मेरे कहने से नहीं आते हो और मैं बोलता हूँ, लेकिन आप शायद आपको पसंद आ जाए वो चीज़ें जो हमें पसंद नहीं आ रहा, तो आपको आना बनता है। अभी हम अंदर जाते हैं, आगे का शो देखते हैं क्या होता है। बाकी वीडियो जरूर लाइक करना, बहुत टाइम बाद वीडियो आई है तो बनती है लाइक करनी, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, 10,000 नहीं हुए यार अभी तक, 10,000 हो जाता अच्छा हो जाएगा, जल्दी से 10,000 कराओ इंस्टाग्राम पे। चलते आगे अंदर अपने लोग। पब्लिक देखो कितनी पब्लिक है, बहुत पब्लिक है। ये हमारे बॉस हैं, यही हमें यहाँ लेके आए हैं ना, इनका ही रोल है सबसे ज्यादा। तो अब तुम बताना चाहती हो, अभी तुम जो बोल रही थी रशियन में, जरा हिंदी में बताओ। मैं बताना चाहती थी कि बोला, जोर से बोलो। अफसोस हुआ कि हम ये शो हमें फ्लॉप हुआ, हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमने पहली बार देखा, लेकिन ये सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 मिनट का शो है। अगर आपको इंटरेस्ट है सिर्फ डांस देखना, पहले डांस देखना, तो डोंट वेस्ट मनी और मेरी वीडियो देखो और मजे लो लोगों के साथ शेयर। चलो अभी हमारा ग्रुप आ रहा है, उनसे मिलते हैं, उनको बाय बाय हेलो बोलते हैं, टाटा करते हैं, अपने बॉस को थैंक यू बोलते हैं, उतना इतना पैसा खर्च किया हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। कोई बात नहीं, हमें पसंद नहीं आया, वो हमारी ऊपर है, कोई बात, नेक्स्ट टाइम अच्छा वाला होगा, ठीक है। अभी बाहर गाड़ी में बैठ के टाटा बाय बाय करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे गाड़ी बैठ के। चलो यो गाइस, सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अब अपने इवेंट में से, और हम लोग जा रहे हैं घर। लेना कर रही है ड्राइव अगेन, आप लोग हमेशा की तरह मुझे दोगे गाली कि आप क्यों नहीं गाड़ी चलाते। गाने सुन रहे हैं जुबिन नौटियाल के, तो कॉपीराइट ना जाए इसलिए गाना धीरे ही चलना चाहिए। सो इवेंट ऐसा था मेरे लिए एक पहली टाइम में, बल्कि पहली बार के लिए एक अच्छा मान सकता है, क्योंकि मैं पहली बार आया था। आप लोगों को मैंने बताई थी, अब ज्यादा बताने में क्या फायदा है, इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा था वैसा था, बढ़िया था। सो अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नए साल तक के लिए बहुत व्लॉग बनाऊंगा मैं, नए साल में छुट्टियों में बहुत बनाऊंगा, बहुत काम है, तबीयत खराब थी, कोई बात नहीं मैनेज कर लूंगा। वाओ ब्यूटीफुल, यही वो जगह है जहाँ पे अपने फैजल भाई का फ्लैट है, संभालियो इसका
नाम ही हवाई जहाज है यार, देख लो बिल्डिंग कितनी सेक्सी लग रही है इस टाइम, बहुत ही सुंदर। और फैजल भाई का मैं फ्लैट बताऊंगा इस वाली बिल्डिंग के अंदर सबसे लास्ट पे 34 पे। ऑसम मैन, ऑसम ब्यूटीफुल, सबको आना यहाँ पे। वैसे फैजल भाई बुला चुके हैं, जितने भी लोग आप देख रहे हो आप आना जरूर। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक करना हमारे कमबैक के लिए। हम बहुत कम से कम एक महीने के बाद मेरा ब्लॉग आया है तो सॉरी उसके लिए। जल्दी मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दस सीधा ड्राइव पे ध्यान दो।